रविवार 16 अक्टूबर से T20 विश्व कप का आगाज हो गया है। आपको बता दें, इस बार का T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर खेला जा रहा है। T20 विश्व कप 16 अगस्त से भले ही शुरू हुआ है, लेकिन इसके मुख्य मुकाबले 22 अक्टूबर से खेले जाएंगे। लेकिन 16 अक्टूबर से जो मैच खेले जाएंगे वो क्वालिफिकेशन राउंड और अभ्यास मैच होंगे, जिसमें पहला मुकाबला श्रीलंका का नामीबिया के साथ हो रहा है। आपको बता दें, श्रीलंका जैसे दिग्गज टीम जो पहले सुपर 8 में अपनी जगह नहीं बना पाई, अब उन्हें क्वालिफिकेशन दौर से गुजरना पड़ रहा है ताकि वो विश्व कप के अगले राउंड में जा सके। अब इसी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने 20 ओवर में 163 रन बना दिए हैं। इस दौरान टीम ने अपने साथ बल्लेबाजों को खोया, लेकिन आज नामीबिया के बल्लेबाजों ने श्रीलंका की गेंदबाजों का वो हश्र किया जिसके बाद फिर कभी दोबारा लंकाई गेंदबाज किसी भी टीम को हल्की में नहीं आकेंगे। आपको बता दें कि नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे जैन फ्राइलिंग और नंबर 8 के बल्लेबाज स्मिट ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद लंकाई गेंदबाज पूरी तरह से ढेर नजर आए। एक वक्त पर जब नामीबिया की टीम 93 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी, तो उसके बाद जैन फ्राइलिंग और स्मिट के बीच 7वें विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने मात्र 34 गेंदों का सामना करते हुए 70 रनों की साझेदारी की। अगर जैन फ्राइलिंग की बात करें तो उन्होंने अपनी पारी में 28 गेंदों का सामना किया और 44 रन ठोके। उनकी पारी में 4 चौके आए जिसके बाद उन्होंने टीम को 163 रन तक पहुंचा दिया। स्मिट की बात करें तो नंबर 8 पर उतरा ये बल्लेबाज किसी ऊपरी क्रम के बल्लेबाज से कम नहीं रहा। स्मिट ने मात्र 16 गेंदों में 31 रन ठोके, जहां उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 के आसपास रहा। आपको बता दें कि जैन फ्राइलिंग और स्मिट दोनों ही बल्लेबाजों ने नामीबिया के लिए आखिरी 5 ओवर में 68 रन जोड़े। गेंदबाजी के दौरान जहां श्रीलंका की टीम काफी मजबूत नजर आ रही थी, तो वहीं अंतिम के 5 ओवर में नामीबिया की टीम ने पूरी तरह से इस मैच को बदल दिया। जिस तरह से दोनों ही नामीबियाई बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, वो ये बताता है कि इस विश्व कप में किसी भी टीम को हल्के में नहीं आंका जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जिस तरह से नामीबिया के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया, क्या गेंदबाज भी उसी तरह का कमाल दिखा पाएंगे और श्रीलंका जैसी बड़ी टीम को हराने में सक्षम हो पाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।